नमस्कार, आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। लावारिस बच्चों की मदद के लिए सार्वजनिक स्थानों पर तैनात वॉलेंटियर गायब हो गए हैं। केंद्र सरकार ने जून 2023 में बच्चों की देखभाल ना करने और मिशनरीज व संदिग्ध संगठनों से संपर्क और 200 जिलों में पहुंच ना होने पर चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन से मदद का काम छीना, तो CIF ने वॉलेंटियर हटा लिए हैं। बता दें कि तब से महिला एवं बाल विकास विभाग पर मदद का जिम्मा आ गया है। केंद्र ने नई हेल्पलाइन 112 लॉन्च की है। पूरे देश में बच्चों की मदद का जिम्मा हाथ में लिया है और इसके तहत कमांड कार्यालय व जिलों में स्टाफ की व्यवस्था होनी थी, पर प्रदेश के कहीं ऐसा नहीं हो सका है। शासकीय कर्मी पुरानी संस्थाओं के जरिए मदद का प्रयास कर रहे हैं। अब ये संस्थाएं भी मदद से मुंह मोड़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल चाइल्ड हेल्पलाइन सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन से बच्चों को बरामद कर उनके परिजन को सौंपती थी, लेकिन सार्वजनिक संस्थानों और स्थानों से हेल्प डेस्क बंद होने से बच्चों की बरामदगी कम हो गई है और उन बच्चों की संख्या सर्वाधिक थी जो अपने परिजन से नाराज होकर घर छोड़ देते थे। बड़ी संख्या में शामिल थे जो कि बहकावे में या फिर सोशल मीडिया पर उकसावे पे घर छोड़कर भाग जाते थे। नई व्यवस्था में बड़वानी जिले की नियुक्ति प्रक्रिया पिछले माह शुरू हुई है, पर विज्ञापन जारी होते ही आपत्ति आने लगी है। वहीं NCPRC के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने स्वयंसेवी संस्थाओं को बाल संरक्षण का काम देने को धर्मांतरण से जोड़कर आपत्ति उठाई। तब से जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई है। नियुक्ति प्रक्रिया के लिए विभाग के सहायक आयुक्त साफिया फारूकी ने पिछले सप्ताह प्रदेश के सभी कलेक्टरों को इस संदर्भ संविदा के आधार पर नियुक्तियां करने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन विस्तृत नियम और शर्तें नहीं जारी की गई, जिसके चलते नियुक्ति की प्रक्रिया की शुरुआत ही नहीं हो पाई है।